सभी किसान साथियों को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रॉड फार्म फार्मिंग पक्का कारोबार पर। किसान भाइयों, आज हम लहसुन की खेती के बारे में बात करने जा रहे हैं। लहसुन एक ऐसी खेती है जो हमें कम खर्च में बहुत अच्छी आमदन दे सकती है। अगर आप बेचने के लिए इसे नहीं उगाना चाहते तो कम से कम अपने साल भर की ज़रूरत के हिसाब से लहसुन की बुआई आप अवश्य करें, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के माह में लहसुन का जो प्राइस होता है वह अपनी खूब जेब ढीली करता है, क्योंकि उस वक्त लहसुन बहुत महंगी हो जाती है। और अगर उस वक्त आपके पास अपने घर की लहसुन होगी तो आप इस फालतू के खर्चे से बच सकते हैं। जिस प्रकार यह कहावत है कि एक सेब एक दिन डॉक्टर को दूर करता है, उसी तरह लहसुन की एक कली एक दिन खाने से डॉक्टर अपने दूर रख सकते हैं। इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर, पेट के विकारों, पाचन विकृतियों, फेफड़ों के लिए, कैंसर, गठिया की बीमारी के लिए और खून की बीमारी के लिए किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज से भरपूर फसल है। किसान भाइयों, आइए आज अपने इसके खेती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लहसुन की बुआई के समय के बारे में बात करते हैं। लहसुन की बुआई उत्तर भारत में नवंबर माह में स्टार्ट, अक्टूबर माह में स्टार्ट होकर मध्य नवंबर तक की जाती है। लहसुन को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। वैसे लहसुन के लिए गर्मी और सर्दी दोनों ही कुछ कम रहें तो उत्तम रहता है। अधिक गर्मी और लंबे दिन इसके कंद निर्माण के लिए उत्तम नहीं रहते। छोटे दिन इसके कंद निर्माण के लिए अच्छे होते हैं। इसकी सफल खेती के लिए 29.35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 10 घंटे का दिन और 70% आर्द्रता, मतलब नमी 70% होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आइए अब देखते हैं कि भूमि का उपचार। सबसे पहले आपको खेत की अच्छी जुताई कर लेनी है। इसके लिए जो है दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। भारी मिट्टी में इसके कंद का निर्माण अच्छा नहीं हो पाता। अच्छी तरह जुताई करने के बाद आप खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। ध्यान रहे कि कोई हिस्सा ऊंचा नीचा ना हो, क्योंकि अगर जल भराव होगा तो उससे आपकी लहसुन की खराबी हो सकती है। तो आइए अब इसके बीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर पे लहसुन पड़ी है या अगर आप बाज़ार से लहसुन लाए हैं, तो किसान भाइयों, अच्छे और मोटे लहसुन की कलियां आप अलग कर लें और जो बारीक कलियां हैं वो अलग कर रहे हैं। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने मोटी कलियाँ अलग कर ली हैं, क्योंकि अच्छी कलियों से ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, लहसुन एक ऐसी खेती है जो हमें अच्छी आमदन दे सकती है। अगर हम इसे स्टोर कर लें और अक्टूबर नवंबर के महीने में बेचें तो हमें अच्छा भाव मिल सकता है। अच्छे बीज अलग करने के बाद हम इसे बोएंगे। किसान भाइयों, लहसुन को ज़्यादा उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसे बाजार में बेचना चाहते हैं तो आप गोबर की खाद 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें। ध्यान रहे कि गोबर की खाद तैयार होनी चाहिए, मतलब सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि गीली गोबर की खाद का उपयोग करने से आपके खेत में फंगस की समस्या आ सकती है, तथा दूसरे उर्वरक जिनमें कि यूरिया 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस की आवश्यकता 50 किलोग्राम, नाइट्रोजन की आवश्यकता 100 किलोग्राम तथा पोटाश की आवश्यकता 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी आधी मात्रा आप जब जुताई कर रहे हैं उस समय डाल दें और आधी मात्रा आप इसको बोने के 40 से 50 दिन के बाद छिड़काव कर दें। सूक्ष्म 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर 3 साल में एक बार उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में 2 से 2.5 क्विंटल बीज डालना पड़ेगा।
इसकी बुआई कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। या देसी भाषा में बात करें तो आधा फिट बाय पौना फिट रख सकते हैं। इसके लगाने की विधि है कि आपको लहसुन की जड़ वाला साइड आधा जमीन में बो देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे ज़्यादा गहरा जमीन में नहीं लगा। बुआई करने के बाद आप ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर दें, क्योंकि जो हमने गोबर की खाद डाली है ट्राइकोडर्मा से वह अच्छा काम करेगी। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में सबसे ज़्यादा किसान का सर दर्द खरपतवार और इसे पानी देने के बाद गुड़ाई करने बन जाता है। उससे बचने के लिए सबसे कारगर तरीका आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ना तो खरपतवार नाशक जहरीली स्प्रे, जो कि शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी कम करती है, उसके लिए किसान भाइयों आप मल्चिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं, हम धान की पराली का उपयोग कर रहे हैं। मल्चिंग के लिए किसान भाइयों, धान की पराली एक बहुत ही अच्छी मल्चिंग एजेंट है, जिसके अनेक फायदे हैं। सबसे पहले तो यह आपकी लहसुन में खरपतवार नहीं होने देगी, जिससे आप जहरीली स्प्रे से बचेंगे, और खरपतवार आपके खेत की ऊर्जा नहीं लेगा, जिसका फायदा लहसुन को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। दूसरा फायदा है कि पराली के कारण खेत में नमी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि पराली धूप को जमीन पर नहीं पड़ने देगी और नमी के कारण सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में हैं, जो वह अच्छी तरह काम करेंगे, आपकी फसल को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करेंगे। तीसरा फायदा है कि आपको फसल में पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि पराली जमीन को जल्दी सूखने नहीं देगी। इसके साथ साथ आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आपको लहसुन की गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे भी आपका खर्च बचेगा। तो किसान भाइयों, लहसुन में मल्चिंग जरूर करें, और अंत में आप इसमें हल्की सिंचाई कर दें। अगली वीडियो में हम इसकी विभिन्न किस्मों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।